आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी YouTube की वीडियो को डिलीट कर सकते हो YouTube से। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को देख ले, आपको पता चल जाएगा आप अपने मोबाइल फोन को यूज़ करते हुए कैसे YouTube की वीडियो को डिलीट कर सकते हो। तो चलिए बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ जिन्हें यूज़ करके आप अपनी YouTube की वीडियो को डिलीट कर सकते हो इजीली। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, आपने क्या करना है। पहला जो तरीका है वो मैं आपको गूगल क्रोम से बताऊंगा, आप गूगल क्रोम को यूज़ करते हुए कैसे अपनी यूट्यूब की वीडियो को डिलीट कर सकते हो। दूसरा जो है वो बहुत इजी है, वो मैं आपको आराम से बताता हूँ बाद में। पहले ये मुश्किल वाले को कर ले। आपने क्या करना है, क्रोम पे आ जाना है, यहाँ यूट्यूब को यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो ये देखिएगा इस तरह से आपके पास इस पे यूट्यूब की ऐप ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ सबसे ऊपर आपको थ्री डॉट्स देखने को मिलते हैं, थ्री डॉट्स पे आपने प्रेस करना है। यहाँ डेस्कटॉप साइट आपको देखने को मिलती है, यहाँ आपने डेस्कटॉप साइट पे प्रेस करना है। यहाँ डेस्कटॉप साइट पे आने के बाद यहाँ देखिएगा सबसे ऊपर ये देखिए, यहाँ पे आपको अपने चैनल का लोगो देखने को मिलता है, आपने इस पर प्रेस करना है। और यहाँ पे आपके सामने काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ YouTube स्टूडियो आपको देखने को मिलता है पेड मेंबरशिप के नीचे। यहाँ YouTube स्टूडियो पे आपने प्रेस करना है तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, नई स्क्रीन आ जाएगी, ये देखिए इस तरह से। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ इसे जूम कर लेना है और यहाँ देखिए सबसे ऊपर आपको थर्ड वाला ऑप्शन मिलता है, लोगो के नीचे दूसरे वाला ऑप्शन है ये वीडियोज़ का, आपने इस वीडियो के आइकन पे प्रेस करना है। ये देखिए आपकी वीडियोज़ यहाँ पे आ चुकी है। अब आपने किसी भी एक वीडियो को डिलीट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपने जिस वाली वीडियो को यहाँ से रिमूव करना है, इस वीडियो पे यहाँ पे आपने टिक प्रेस कर देंगे, जो बॉक्स आपको ये देखने को मिलता है ये देखिए, यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ आपने एक टिक कर देना है। ओके गाइस, टिक करने के बाद ये देखिए यहाँ आपके सामने ऊपर ऑप्शन आ चुके हैं। अब आपने यहाँ मोर एक्शन पर प्रेस करना है और यहाँ देखिएगा यहाँ आपके पास एक डाउनलोड का ऑप्शन है, एक डिलीट फॉरएवर। इस वीडियो को आपने डिलीट फॉरएवर पर प्रेस करके डिलीट कर देना है। जैसे ही आप डिलीट फॉरएवर पर प्रेस करते हो आपकी वीडियो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ये पहला वे था, अब मैं आपको दूसरा वे बता देता हूँ। आपने प्ले स्टोर से क्रिएटर स्टूडियो ऐप इंस्टॉल कर लेनी, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखिए आपने आ जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर पर आने के बाद आपने यहाँ टाइप करना है यूट्यूब स्टूडियो। आपने YouTube स्टूडियो टाइप कर रहे हैं, ये ऐप आपके सामने आ चुकी है, आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो आपका चैनल यहाँ पे आ जाएगा, आपने लॉगिन कर रखना है YouTube पे, अपने आप यहाँ भी आ जाएगा। ओके गाइस, यहाँ आपके सामने आपकी वीडियो आ चुकी है। ये देखिए अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलती जिसको आप रिमूव करना चाहते हो, यहाँ आपने सबसे नीचे व्यू मोड देखने को मिलता है, व्यू मोड पे प्रेस करना है। ये देखिए आपकी सभी वीडियोस आ जाएगी, जितनी भी आपकी वीडियोस होगी यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे पूरी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ जिस वाली वीडियो को आप रिमूव करना चाहते हो उस वीडियो को यहाँ से ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको ब्लूटूथ के साथ ये देखिएगा एडिट का ऑप्शन देखने को मिलता है, पेंसिल बनी है, आपने इस पेंसिल पर प्रेस करना है। आपने ये पेंसिल पर प्रेस किया गया तो यहाँ पर आपके सामने वीडियो की सारी डिस्क्रिप्शन टैग वगैरह आ चुके हैं। यहाँ एडवांस सेटिंग है सबसे ऊपर, इस पर प्रेस करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ आपको देखने को मिलता है डिलीट फ्रॉम यूट्यूब। अगर आप यहाँ पे प्रेस करते हो आपकी वीडियो यहाँ से डिलीट हो जाएगी, पूरी यूट्यूब से डिलीट हो जाएगी। इस तरह से आपने अपनी यूट्यूब वीडियो को डिलीट करना है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना। नेक्स्ट ऐसी वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।